हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू यू एट योर फेवरेट चैनल मेड एंड टू टी। डियर डॉक्टर्स, आप लोग आई होप यू माइट हैव बीन सीरियसली टेकिंग योर प्रिपरेशन। और मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों की प्रिपरेशन में मैं हेल्प करूं। मैं औरों की तरह थोड़ा फास्ट नहीं पढ़ाता, मेरा वीडियोज स्लो होती है, और स्लो इसलिए होती है ताकि आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अभी तक हम बात किए थे एनिमोफिली की, लास्ट क्लास में बात किए थे वायु परागन की बात किए थे, अब बात करेंगे आज हाइड्रोफिली या जल परागन की। आपको पता ही है पोलिनेशन सिंपली मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिक, तो पता है आपको, है ना। तो आज हम बात करेंगे हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन की, जल परागन की। हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन इज अ मोड ऑफ पोलिनेशन इन विच पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा बाय वाटर। पॉलन ग्रेन का परागकणों का जल के द्वारा एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन या जल परागण कहलाता है। लिख लीजिए कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय वाटर। जल के द्वारा परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? जल परागण या हाइड्रोफिलिक। ऑल हाइड्रोफाइट्स आर हाइड्रोफिलिक पोलिनेटेड। जितने भी हाइड्रोफाइट्स हैं, जलीय पौधे होते हैं, सब में हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन होता है। ऑल हाइड्रोफाइट्स आर हाइड्रोफिलिक पोलिनेटेड। ठीक है, जितने भी हाइड्रोफाइट्स हैं, जलीय पौधे हैं, सब में हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन होता है, जल परागण होता है। अब इसका एग्जाम्पल है पोटैमोजेटॉल, एग्जाम्पल पोटैमोजेटॉल इनमें क्या होता है? हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन होता है, साथ ही साथ मेरियोफिलम इसके अतिरिक्त आप कह सकते हैं वाटर हाइसिंथ, है ना, इन सब में भी हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन होता है, जल बराबर होता है। अब पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइड्रोफिलिक पोलिनेटेड प्लांट्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइड्रोफिलिक पोलिनेटेड। इनकी क्या क्या पोलिनेटेड प्लांट्स, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, क्या क्या अभिलाक्षणिक विशेषताएं होती हैं, इनकी बात करेंगे। सबसे पहले कहते हैं क्या, फ्लावर्स आर स्मॉल एंड ऑर्डरलेस। इनके जो पुष्प होंगे छोटे होंगे, फूल छोटे होंगे और गंधहीन। इनका पॉलन ग्रेन लंबा होगा, पॉलन ग्रेन
आर लॉन्ग अप टू 2500 माइक्रोमीटर लॉन्ग, 2500 माइक्रोमीटर तक लंबा इनका पॉलन ग्रेन हो सकता है। अब आप लोगों को बताना है कि पॉलन ग्रेन की साइज क्या होती है, ये आपको कमेंट करना है कि पॉलन ग्रेन की ऐसे एक्चुअल साइज क्या होती है। पॉलन ग्रेन आर 25 मीटर लॉन्ग एंड नीडल शेप्ड, लॉन्ग अप टू 25 मीटर लॉन्ग एंड इट इज नीडल शेप्ड, ये नुकीली होती है। इनकी पॉलन ग्रेन नुकीली होती है, वो नुकीली इसलिए होती है कि चूंकि वाटर के साथ फ्लो करता रहता है ना, तो मैं आपको स्टिकी सब्सटेंस से नुकीली सब्सटेंस पॉइंटेड सब्सटेंस एज होने के कारण वो आसानी से वाटर में भी वो आपका स्टिग्मा से अटैच हो सकता है। अगला कहता है क्या कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन में नेक्टर नहीं प्रोड्यूस होते, फ्लावर डजंट प्रोड्यूस नेक्टर, कोई फ्लावर जो फ्लावर होते हैं वो नेक्टर नहीं बनाते, सॉरी डजंट प्रोड्यूस नेक्टर, जो फ्लावर होते हैं उनमें नेक्टर नहीं बनते, मकरंद नहीं बनते। आपको पता होना चाहिए कि नेक्टर सिर्फ उन्हीं फ्लावर में बनता है जो जीन में जो कीट परागित होते हैं, जो कीट परागित होते हैं यानी जो इंटोमोफिलिक होते हैं। क्या होता है जो कोई आता है इंसेक्ट कीट आया तो उनको कुछ ना कुछ रिवार्ड चाहिए ना, तो कह सकते हैं कि द नेक्टर इज रिवार्ड ऑफ इंटोमोफिलिक प्लांट्स। परागकण हल्के व जल सह सतह से घिरे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड कोटेड विद वाटर रिपेलेंट, क्योंकि अगर वाटर रिपेलेंट सब्सटेंस नहीं होगा तो वो जो पॉलन ग्रेन है वो सड़ सकता है, रॉटन अप हो सकता है, इसीलिए वाटर का उस पर कोई साइड इफेक्ट ना हो, इल इफेक्ट ना हो, दैट्स व्हाई पॉलन ग्रेन वाटर रिपेलेंट या वैक्सी सब्सटेंसेस से कवर्ड अप होता है, चारों तरफ वैक्सी सब्सटेंस होता है क्यूटिकल टाइप का, है ना, वैक्सी सब्सटेंस क्यूटिकल टाइप सब्सटेंस होता है, सो दैट उस पर वाटर का कोई हार्श इफेक्ट ना। आगे कह रहे हैं क्या कि जो मेल फ्लावर होते हैं उनमें स्टॉक होते हैं, मेल फ्लावर में स्टॉक होते हैं, जबकि स्टेट स्टॉक होता है, जबकि फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक होता है वो क्वाइल्ड होता है, फीमेल फ्लावर का स्टॉक क्वाइल्ड होता है, सो दैट ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्वाइलिंग में कहीं ना कहीं जाकर तो फंस जाए। तो कहते हैं क्या मेल फ्लावर्स हैज स्ट्रेट स्टॉक, स्ट्रेट स्टॉक, इसके जो ब्रिंथ होता है, डंठल होता है फ्लावर के नीचे, वो सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, व्हाइल फीमेल हैव क्वाइल्ड स्टॉक, इसका जो स्टॉक होता है फीमेल का क्वाइल्ड होता है, कुंडलित होता है या कह सकते हैं लॉन्ग क्वाइल्ड, हैव लॉन्ग क्वाइल्ड स्टॉक, इनके जो डंठल होते हैं वृत्त होते हैं, ये वृत्त लंबे और क्वाइल्ड होते हैं।
और कह सकता है क्या कि द अस्टिग्मा अस्टिग्मा इज लॉन्ग लॉन्ग हेयरी एंड अनविटेबल. अस्टिग्मा अस्टिग्मा इज इसकी लॉन्ग हेयरी अस्टि की लॉन्ग हेयरी अस्टि की एंड अनबेटेबल अनबेटेबल. इस मीन्स इनके भी इनके जो अस्टिग्मा होते हैं अस्टिग्मा पर भी वैक्सी सब्सटेंस पाया जाता है जिसके कारण वो गीला नहीं होता है, वाटर का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. इनका अस्टिग्मा अस्टिग्मा मीन्स वर्तिका वर्तिका लंबा होता है, रोमयुक्त होता है, चिपचिपा होता है और ये अनार्द्र होता है, मतलब ये गीला नहीं होता है, अनवेटेबल होता है. दीज आर सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइड्रोफिलिक पोलिनेटेड प्लांट. आगे कहता है क्या कि इनका जो कैलिक्स एंड कोरोला कैलिक्स कोरोला एंड अदर फ्लावरिंग पार्ट्स आर अनबेटेबल अनबेटेबल. कैलिक्स और कोरोला भी इस तरह से होते हैं कि ये गीले नहीं होते हैं, नहीं सड़ते हैं. कैलिक्स कैलिक्स इसको क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज बाह्य दलपुंज. कोरोला कोरोला दलपुंज पता है ना आपको. एंड अदर फ्लॉरिंग पार्ट्स आर अनबेटेबल. इन पर भी वाटर का कोई इल इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं पाया होता है. ये इनके कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात की है. एक चीज ध्यान रखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर बात करते हैं तो इसमें हम उन फीचर्स को देखते हैं, वो सारे फीचर्स आते हैं कि किस तरह से ये वाटर के अंदर अपने आप को पोलिनेट कर सके. इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनके जितने भी पार्ट्स होते हैं अनबेटेबल होते हैं, भीगते नहीं है. इनके ऊपर क्यूटिकल का सब्सटेंस होता है या वैक्सी लेयर होता है जिसके कारण वाटर का इन पर कोई इल इफेक्ट या साइड इफेक्ट. अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन कितने टाइप के होते हैं. हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन को हम लोग टू पार्ट में क्लासिफाई किए गए हैं. फर्स्ट है ईपी हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन. फर्स्ट इज ईपी हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन. फर्स्ट इज ईपी हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन. इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अधि जल परागण. अधि जल परागण. एंड सेकेंड इज हाइपो हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन. हाइपो हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन. अभी इसको समझते हैं. इसको हम लोग कहते हैं अधो जल परागण. अधो जल परागण. हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन दो तरह का, ईपी हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन और इपो हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन. ईपी हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ वाटर. ईपी हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन हो गया कि क्या कि द पोलिनेशन पोलिनेशन टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ वाटर. इसमें जो पोलिनेशन होता है वो जल के सतह पर ही होता है, वाटर के सरफेस पर ही होता है, ऊपर ही होता है. इसमें पोलिनेशन डूबा नहीं रहता है. इसमें इसका
इसका अस्टिग्मा, अस्टिग्मा नीचे डूबा हुआ नहीं रहता, वो वाटर के सरफेस पर ही होता है, जैसे आपका लोटस में पोलिनेशन हो गया। इसमें देखिएगा इनकी विशेषता होती है कि इनके फ्लावर जल के सतह पर ही रहते हैं। वाटर हाइसिंथ हो गया है ना, लिली हो गया, तो ये सब में इपी हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन होता है। जैसे वैलिसनेरिया अस्पायरेलिस है ना, एग्जाम्पल में वैलिसनेरिया अस्पायरेलिस या आप कह सकते हैं लोटस, वाटर हाइसिंथ, जिसके फ्लावर ऊपर जल के ऊपर खिलते हैं, इनमें क्या होता है इपी हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन। और दूसरा हो गया हाइपो हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन, पोलिनेशन टेक प्लेस इनसाइड वाटर, पोलिनेशन टेक प्लेस इनसाइड वाटर, जल के अंदर ही इनमें पोलिनेशन होता है। इनके पॉलन ग्रेन भी भारी होंगे, इनके पॉलन ग्रेन भारी होंगे जो नीचे की ओर जाएंगे, कुछ में होता पॉलन ग्रेन ऊपर, एंथर ऊपर है, एंथर ऊपर है, एंथर ब्रश किया, एंथर फटा, तो फटने के बाद क्या हो गया, पॉलन ग्रेन नीचे की ओर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और वहीं पर उनको स्टिग्मा मिल गया, स्टिग्मा से चिपक गया, बाकी नीचे चला गया। तो ये होता है इसमें हाइपो हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन। जैसे जोस्टेरा सिराटोफिलस, इसमें सिराटोफिलस एग्जाम्पल याद रखिएगा, सिराटोफिलस जोस्टेरा, इनमें क्या होता है हाइपो हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन। ये इसी टाइप के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं नीट में, कि किसमें इपी हाइपो हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन होगा, किसमें हाइपो हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन होगा, क्लियर। अब बात थोड़ा सा पोलिनेशन की बात करते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ पोलिनेशन उसकी हम बात करेंगे, उसमें समझेंगे कि पोलिनेशन कैसे होता है। जैसे पोलिनेशन इन वैलिसनेरिया, वैलिसनेरिया में कैसे पोलिनेशन होता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। पोलिनेशन इन वैलिसनेरिया की हम बात कर रहे थे। वैलिसनेरिया एक हाइड्रोफिलिक प्लांट है जिसमें हाइड्रोफिलिक पोलिनेशन होता है। इसमें ऊपर देखिए मेल फ्लावर है, ऊपर मेल फ्लावर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पॉलन ग्रेन्स इसका में लंबी नीडल लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका। इसमें जितने भी पॉलन ग्रेन्स होंगे ये रिलीज होंगे, इनका एंड्रोसियम है ना, इनके पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा, और ये पॉलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, तो ये मैच्योर पॉलन ग्रेन धीरे धीरे डाउनवर्ड सेटल करेंगे। ये आपका ये हो गया मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। तो जब ये पॉलन ग्रेन इसे रिलीज होगा, इसमें कह रहे हैं क्या, वैलिसनेरिया डायोसियस फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर निकलते हैं। कैसा, वैलिसनेरिया डायोसियस फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर्स निकलते हैं। जब परिपक्व होते हैं तो इसका मेल फ्लावर मैच्योर होने के बाद पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा, और ये रिलीज होने के बाद वाटर सरफेस पर तैरने लगेगा। अब इनका जो फीमेल स्ट्रक्चर है, ये फीमेल में देखिए तो कप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा इसमें। ये कप लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका ओपनिंग है, कप लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो इनका पॉलन ग्रेन है स्विम करते करते इस कप लाइक स्ट्रक्चर में लैंड कर जाएगा। जब ये कप लाइक स्ट्रक्चर में लैंड करेगा तो ये पॉलन ग्रेन धीरे धीरे डाउनवर्ड आएगा, ये यहाँ पोलिनेट होगा, और इसके स्टेमन पर वर्तिकागर पर लैंड करेगा। उसके बाद ये पोलिनेट होगा, और पोलिनेट होने के बाद ये डाउनवर्ड आएगा। फिर जब यह पोलिनेट हो जाएगा, तो पोलिनेशन के बाद इसका जो जो डंठल है, जो स्टॉक है,
यह स्टॉक इस तरह से क्वाइल्ड हो जाएगा, क्वाइल स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी जब एक क्वाइल स्ट्रक्चर बना लेता है तो इसका इंडिकेशन है कि ये पोलिनेट हो गया। दिस इज द वे ऑफ पोलिनेशन इन वैलिसनेरिया। तो अभी तक क्या समझा वैलिसनेरिया पोलिनेशन में, कि मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन लैंड करेगा जो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के कप लाइक स्ट्रक्चर में लैंड करेगा और इसके बाद इसको पोलिनेट करवा देगा। चलिए अब बात करेंगे हम पोलिनेशन इन जोस्टेरा, पोलिनेशन इन जोस्टेरा। अब जोस्टेरा में पोलिनेशन की बात करेंगे। जोस्टेरा इज ऑल्सो हाइड्रोफिलिक प्लांट, जोस्टेरा इज ऑल्सो हाइड्रोफिलिक प्लांट, यह भी एक हाइड्रोफिलिक प्लांट है जिसकी लेंथ, इसका जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन मैंने पहले बताया था सबसे लंबा होता है, ये पोलन ग्रेन तो 2500 माइक्रोमीटर लंबा पोलन ग्रेन होता है और यह इस पर एक साइन नहीं पाया जाता है। जोस्टेरा के पोलन ग्रेन में एक साइन ऑब्सेंट रहता है। कि एक क्वेश्चन आ गया कि किस फ्लावर के पोलन ग्रेन में एक साइन ऑब्सेंट है, दैट इज जोस्टेरा। जोस्टेरा में आपको पोलन ग्रेन में एक साइन ऑब्सेंट होता है और ये आगे निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही ये पोलन ग्रेन फिर बाटल में लैंड किया, जैसे ये फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करेगा, लैंड करने के बाद ये उससे लिपट जाता है, उससे चारों तरफ ये कवर कर लेता है आपको स्टिग्मा और उसके बाद फिर ये पोलिनेट होकर अपना पोलन ट्यूब डेवलप कर लेता है। अब इसके बाद हो गया टेरेटोफिलम डिमर्सन, सीटोफिलम डिमर्सन, इसमें पोलिनेशन कहता है, यह पूरी तरह से जल में डूबा हुआ होता है। पोलिनेशन इन सर्टोफिलम। ये पूरी तरह से सबमर्ज्ड प्लांट है, पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ रहता है और इसका एक एंथर 40 to 45 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। 30 to 45 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, एंथर बनता है। मैच्योर होने के बाद पोलन ग्रेन ब्रश करता है, एंथर ब्रश करेगा और पोलन ग्रेन वाटर में संबर्ज फ्लो करने लगता है और इसके बाद धीरे धीरे जैसे पोलन ग्रेन है, वाटर हो गया आपका, है ना, तो ये धीरे धीरे पोलन के नीचे वाटर की ओर बढ़ लेगा और नीचे इसका कहीं फीमेल फ्लावर मिलेगा और फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करेगा और उसे पोलिनेट कर देगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।